हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेनेशन और चैनल पर। तो बिना देर के शुरू करते हैं मनी हाइस्ट सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन को। रखेल और उसकी टीम प्रोफेसर के मिले खुफिया अड्डे की तलाशी कर रही होती है। इन्हें पता नहीं होता कि प्रोफेसर ने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछाए रखा है। इनको यहाँ वही सबूत मिलेंगे जो प्रोफेसर ने खुद छोड़े हैं, क्योंकि प्रोफेसर को अंदाज़ा होता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सब प्रोफेसर ने प्लान किया होता है। फॉरेंसिक के टीम में शामिल होता है रखेल का एक सस्पेंड अल्बर्टो, जो कि खुफिया अड्डे की जांच करते वक्त प्रोफेसर के खिलाफ सबूत ढूंढ ही लेता है। प्रोफेसर ने अपने सारे सबूत जला दिए होते हैं और नकली सबूत छोड़े होते हैं, लेकिन जलाए हुए सबूत में से एक टुकड़ा उसके जलाने वाली चिमनी में छूट जाता है। अल्बर्टो इस सबूत को लेकर अपनी लैब में अच्छे से जांच करने ले जाता है। प्रोफेसर को पता चलता है कि अल्बर्टो के हाथ सबूत लग गया है जो उसकी असली पहचान पुलिस के सामने ला सकता है। प्रोफेसर रकील के साथ अपना दोस्त बनकर आया होता है, जो गाड़ी में उसका इंतज़ार करता है, जो रकील को कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, कि उसे कुछ काम है कहकर। तभी अल्बर्टो भी अपने लैब के लिए निकल रहा होता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। तभी रास्ते में वापस जाते वक्त प्रोफेसर अल्बर्टो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। और अल्बर्टो के उठने से पहले प्रोफेसर अपने खिलाफ मिले सबूत को ठिकाने लगा देता है। अल्बर्टो को जब होश आता है, तब वो उसे पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में हथकड़ियाँ पहनाकर जेल ले जाता है। जेल के टॉयलेट में जाकर प्रोफेसर अपने आप की खुद पिटाई कर लेता है और रकेल को फ़ोन करके बताता है कि तेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी बहुत पिटाई की है और जेल में कैद कर लिया है। रकेल को लगता है अल्बर्टो ने यह सब जेलसी में किया होगा। वो वहाँ आके प्रोफेसर को छुड़ा कर ले जाती है। जब प्रोफेसर यहाँ फंसा रहता है, तब वहाँ रॉयल मेंट में उसकी टीम के मेंबर्स अपनी मनमानी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर उन्हें वहाँ फंसा कर भाग गया, जिसके चक्कर में टोकियो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बर्लिन को धमकी देने लगती है, जिसके चलते बर्लिन गुस्से में आकर उसे स्ट्रेचर पे बांध कर बाहर पुलिस के पास फेंक देता है। पुलिस वाले टोकियो को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बर्लिन की इस बात से रियो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। बर्लिन से बदला लेने के लिए रियो वहाँ के हॉस्टेजेस के साथ भागने का प्लान बनाता है। इसके बाद रियो, मोनिका और आर्थुरो भागने के रास्ते ढूंढते हैं। ये सब होने के बाद फाइनली प्रोफेसर उन्हें कॉल करता है और रियो से वादा करता है कि वो टोक्यो को पुलिस से छुड़ा लेगा। उसके बाद रियो वापस अपनी टीम को ज्वाइन करता है और आर्थुरो को भी धोखा देकर उन्हें भागने से रोक लेता है। उसी वक्त रकेल एक अफवाह फैला देती है कि एंजल अब कोमा से बाहर आया है। ये सोचकर कि प्रोफेसर हॉस्पिटल उसे ठिकाने लगाने जरूर जाएगा और ये लोग उसे पकड़ लेंगे, लेकिन प्रोफेसर को पता होता है कि ज़रूर ये पुलिस की कोई चाल है। इसलिए प्रोफेसर ढेर सारे जोकर्स हायर करता है और हॉस्पिटल में भेजता है और खुद भी जोकर बनकर हॉस्पिटल में चला जाता है। प्रोफेसर को पता होता है कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए प्रोफेसर एक बच्चे की मदद से एंजल सच में होश में आया है कि नहीं, ये देखने के लिए उस बच्चे के पास एक टेडी देता है जिसमें कैमरा छिपा हुआ होता है। उससे प्रोफेसर को समझ जाता है कि एंजल अभी भी कोमा में है और ये पुलिस की चाल थी। लेकिन प्रोफेसर का जोकर वाला बेस पुलिस देख लेती है। वहाँ से भागकर प्रोफेसर सीधा रकेल से मिलता है। रकेल और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रकेल का ध्यान प्रोफेसर के जैकेट पे जाता है, जिससे उस जोकर के विग के ऑरेंज कलर के बाल चिपके हुए होते हैं। फिर यहाँ आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रेकेल को पता लग जाता है कि सालवा ही प्रोफेसर है। फिर वो उसे पकड़ कर प्राइवेट इंटरोगेशन शुरू कर देती है। प्रोफेसर रकील को बताता है कि मैंने मेरे पहचान के बारे में झूठ बोला था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तो मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट लेकर देखो। और दूसरी तरफ रॉयल मिंट में आर्थुरो को बार बार भागने की प्लानिंग के लिए सजा मिलती है और एक तरफ डेनवर और मॉस्को के बीच पर्सनल लाइफ को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रोफेसर अपने खास लोगों को भेजकर टोक्यो को पुलिस की वैन से भगा कर ले आता है, जिसके बाद टोक्यो पुलिस का भेष बदल कर सीधा रॉयल मिंट में कूद जाती है। मॉस्को दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले लेता है और
पीछे से पुलिस लगातार गोलियां चला रही होती है, जिसमें मॉस्को बुरी तरह घायल हो जाता है। प्रोफेसर की टीम पुलिस से डॉक्टर की मांग करती है, लेकिन वो सरासर मना कर देते हैं। उसके बाद सारे टीम मेंबर्स मिलकर अपने भागने वाले रास्ते की तेजी से खुदाई शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ प्रोफेसर रकेल की कैद से छूटकर वहां से भाग जाता है। रकेल चाहते हुए भी उस पर गोली नहीं चला सकती, क्योंकि वो उसे चाहती है। उसके बाद पुलिस को पता चल जाता है कि सालवा ही प्रोफेसर है। पुलिस का शक होता है कि रकेल प्रोफेसर के साथ सीक्रेटली काम कर रही है, इसलिए वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। रकेल जाकर एंजल का पैच चुरा लेती है और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, ये देखने के लिए कि प्रोफेसर का असली खुफिया अड्डा कौन सा है। किसी तरह एंजल भी कोमा से बाहर आ जाता है, और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस फोर्स रॉयल मिंट पर हमला कर देती है, जिसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम अपना आधा प्रिंट किया हुआ पैसा लेकर भागने पर मजबूर हो जाती है। इनका मेन प्लान होता है कि 2 बिलियन यूरोज प्रिंट करना, लेकिन इन हो रही दिक्कतों की वजह से वो सिर्फ 950 मिलियन के आसपास ही प्रिंट कर पाते हैं। दूसरी तरफ रकेल आखिर प्रोफेसर के नए खुफिया अड्डे पर पहुंच ही जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। एंजल रकेल को कॉल करके बोलता है कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, जिसके बाद प्रोफेसर रकेल को छोड़ देता है। दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि इनका प्यार सच्चा है। रकेल एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस रकेल को प्रोफेसर के खुफिया अड्डे के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताने से सरासर मना कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस रॉयल मिंट में प्रोफेसर की टीम पर लगातार गोलियां चला रही होती है। बर्लिन उनका अकेला सामना करता है और बाकी टीम मेंबर को वहां से भगा देता है और खुद पुलिस के हाथों मारा जाता है। फिर पुलिस वाले टनल के थ्रू और दूसरी टीम प्रोफेसर के अड्डे की तरफ जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पूरा अड्डा खाली रहता है। प्रोफेसर और उसकी टीम भागने में कामयाब हो जाती है। वो कैसे? ये हमें 1 मिनट पहले क्या हुआ ये दिखाया जाता है। उस अड्डे के पीछे से एक कंटेनर जिसमें पैसे थे वो लेकर प्रोफेसर और हेलसिंग की भाग जाते हैं। पुलिस उस कंटेनर को नोटिस ही नहीं करती और बाकी लोग एक एक करके भेस बदल कर भागने में कामयाब हो जाते हैं, और उनकी 2 बिलियन तो नहीं लेकिन 950 मिलियन यूरो ये रॉबरी सक्सेसफुली साबित हो जाती है। फिर हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है, न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि अब तक की ये सबसे बड़ी रॉबरी थी, जिसके चलते अभी तक एक भी रॉबर पकड़ा नहीं गया है। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि 1 साल पहले प्रोफेसर ने दिए 4 फोटोज को रखेल देख रही होती है, जिस पर प्रोफेसर ने सीक्रेटली एक लोकेशन दी होती है, जिसे रखेल समझ जाती है। रखेल उस लोकेशन की मदद से उस जगह पहुंच जाती है। तभी उस जगह रकेल की फोन की बैटरी खत्म होती है। तभी हमें प्रोफेसर दिखाया गया है, जो रकेल से कहता है कि तुम मेरा फोन ले सकती हो, और रकेल उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। और मनी आई सीजन 2 यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मनी आई सीजन 2 का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।